अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म फजर, हो गई आत्म फजर। उठ के आए आसन, अक्षरा तीर्थ धाम देनी। श्री लालदासी के तन से अपनी वितक लिखवा रहे हैं। प्रसंग है, जब श्री देवचंद जी के धाम हृदय में श्री राज जी विराजमान हो जाते हैं, तो उनको यहाँ से बैठे बैठे परम धाम तक सब कुछ साफ दिखने लगता है। जब तक हमारा दिल धनी का धाम नहीं होता, तब तक हमारी आंखों के सामने माया रहती है, मायावी जगत दिखता है, शरीर दिखता है। जब अंतर्दृष्टि खुल जाती है तो परम धाम अनायासी दिखना शुरू हो जाता है। सभी धर्म ग्रंथों के भेद अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। श्री देवचंद जी के साथ ऐसे ही होता है। राज्य के विराजमान होने के पश्चात श्री देवचंद जी अपने घर आते हैं। अब अंदर में जब श्री राज्य का अवेश स्वरूप विराजमान है, तो जागनी लीला का प्रारंभ तो होना ही है। राज्य की प्रेरणा से श्री देवचंद जी अगले दिन श्याम जी के मंदिर के आगे कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ गांगजी भाई भी उनके साथ कथा सुना किया करते थे। उधर से आते हैं गांगजी भाई और इधर श्री देवचंद जी, दोनों में वार्ता प्रारंभ हो जाती है। दोनों चर्चा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि एक पन्हारिन यानी पानी भरने वाली उधर से होकर गुजरती है, तो देखते कि ये बातें कर रहे हैं। दोबारा आती है, उस जमाने में आजकल की तरह घरों में नल की फिटिंग नहीं हुई होती थी, जैसे हम आज घरों में बर्तन धोने वाली बाइयाँ रखते हैं, कपड़े धोने वाली बाइयाँ रखते हैं, पानी भरने वाली भी बाइयाँ या पुरुष रखे जाते थे। वो देख रही है कि ये दोनों इतनी चर्चा में तल्लीन है कि मैं पहली बार गई इधर से गुजरी तो दोनों बातें कर रहे थे, दोबारा गुजरती है तो देखती है कि ये दोनों खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, तीसरी बार गुजरती है तो देखती है कि ये अभी भी खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं? श्री देवचंद जी और गांगजी भाई की वार्ता को तल्लीनता से सुनता हुआ सुनकर देखकर वो पन्हारिन कहती है कि अरे भाई साहब, आप लोग जो बातें खड़े खड़े कर रहे हैं, ये बैठकर क्यों नहीं कर लेते? यह है ब्रह्मज्ञान की चर्चा सुनने की भावना। आज तो सिफारिश करनी पड़ती है कि भाई ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो। पहले तो ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। नचिकेता ने कहा है, नचिकेता से यमाचार्य ने कहा कि हे नचिकेता, जो मैं तत्व ज्ञान तुमसे कहने जा रहा हूँ, यह पहले तो सुनाने वाला नहीं मिलता। सुनाने वाला मिल जाए, सुनने वाले नहीं मिलते।
सुनने वाले हजारों में कोई इसको आचरण में लाने का प्रयास करता है, और जो आचरण में लाते हैं उनमें कोई ही परम तत्व को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा सारा संसार क्या है, बहिर्मुखी है, बाहर भागा जा रहा है। किसी भी मेले तमाशे में आप जाकर देखिए, भीड़ लग जाएगी, जहाँ नाच गाना होगा हजारों की लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन परम धाम का ज्ञान सुनाइए तो कोई नहीं सुनना चाहता। श्री देवचंद जी ने शुरू से में क्या किया, एक व्यक्ति को कहा कि भाई मैं तुम्हें परम धाम के मानिक पहाड़ का वर्णन सुनाता हूँ, सुनो। देखो मानिक पहाड़ में 12,000 हवेलियाँ हैं, 12,000 हवेलियों में एक एक हवेली में 12,000 मंदिर हैं, एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियाँ हैं, एक एक कोठरी में 12,000 अलमारियाँ हैं, एक एक अलमारी में 12,000 खाने हैं, और एक एक खाने में 12,000 तरह की मिठाइयाँ रखी हैं। तो कहता है कि बाबा जी, ये गोपड़े सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने काम करने दीजिए। यदि आप किसी से कहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर, श्री कृष्ण, हनुमान सभी महापुरुष हैं, और ये सारी सृष्टि नारायण से उत्पन्न हुई है, नारायण से परे निराकार है, निराकार से परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, और अक्षर से परे वो अक्षरातीत है जहाँ स्वलीला अद्वैत परब्रह्म की लीला हो रही है, तो लोग सुन करके कहेंगे कि आप कहाँ से ये सब जोड़ करके लाए। बहुत पुकार करूँ किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद वनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो से टुक टुक। जो बेहद की आत्मा होगी, परमधाम की आत्मा होगी, वो इशारे मात्र से समझ जाएगी, अन्यथा सारी दुनिया जड़ पदार्थों की पूजा में लगी हुई है। महापुरुषों को सच्चिदानंद परमात्मा बना लिया, जो सच्चिदानंद परमात्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता, जिसके बाल बच्चे नहीं होते, वो तो क्षर अक्षर से परे अक्षर अतीत है, लेकिन दुनिया उसको नहीं जानती। आप जहाँ भी जाइएगा, किसकी कथा होती है, रामायण की या भागवत की या शिव पुराण की कथा होगी, किससे कहानियाँ हो रही हैं, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर कौन पाना चाहता है। किसको तड़प लगती है कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, हमारी आत्मा भवसागर से पार हो जाए। इसलिए यह संसार जो जीवों का समूह है, माया से उत्पन्न हुआ है, स्वर्ग और वैकुंठ को पाने के बाद सोचता है कि यही सब कुछ है, जब महाप्रलय होगा स्वर्ग वैकुंठ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएगा, इसके बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है। ये तो दुनिया तो इतनी सोचती है कि मिठाई का पैकेट ले जाओ, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो, करोड़पति बन जाओ, बस और क्या लेना देना, या दुर्गा जी को खुश कर लो, काली माता को खुश कर लो, लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर कोई बिरला ही सोचना चाहता है। अब श्री देवचंद जी गांगजी भाई से प्रश्न करते हैं कि गांगजी भाई, इतने साल से तुम भी भागवत सुन रहे हो, यह तो बताओ, कांजी भट्ट वर्णन करते हैं कि 14 लोकों का ब्रह्मांड है, अष्ट आवरण का भी वर्णन करते हैं, और ये भी बताते हैं कि महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो 14 लोक भी नष्ट हो जाना चाहिए, और 14 लोकों के अंदर वैकुंठ लोक भी नष्ट होना चाहिए, फिर वैकुंठ निराकार से आगे का ज्ञान तो वो देते नहीं है। जब सुनी पार की बाण तब भई धनी की पहचान, जब देवचंद जी के मुख से ऐसा अलौकिक ज्ञान सुनते हैं गांगजी भाई, तो उनको पहचान हो जाती है कि देवचंद जी तो मेरे बाद आए हैं, देवचंद जी से पहले मैं कांजी भट्ट से भागवत की कथा सुनते ही आ रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रश्न बार बार मुझसे देवचंद जी करते हैं, लगता है कि ये ज्ञान तो कांजी भट्ट के पास भी नहीं है, इनके अंदर कोई अलौकिक स्वरूप है जो ये अलौकिक ज्ञान की बातें कह रहा है। अब जैसे जैसे पात्र देखते गए, देवचंद जी गांगजी भाई को अपना सारा भेद बताते गए, कैसे उमरकोट में उनका जन्म हुआ, बरात के पीछे पीछे जाते समय कैसे उनको राज्य ने पहली बार दर्शन दिया,
भोजनगर में चितवनी में दोबारा दर्शन हुआ और तीसरी बार इसी नौतनपुरी में श्याम जी के मंदिर में कैसे राज जी ने दर्शन दिया उनके धाम हृदय बैठे। जब पात्र देखा तब बताया। संसार में हर कोई पात्र नहीं बनता। 12,000 ब्रह्मात्माओं के अंदर इंद्रावती जी को ही राजी ने अपनी शोभा दी। आप कह सकते हैं तब तो राजी ने पक्षपात किया। राजी पक्षपात कभी नहीं करते हैं। सूर्य सबके लिए है, चंद्रमा सबके लिए है, दिशाएं वस्त्र ये वायु जल सबके लिए है, लेकिन करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये माफक दो अंगूर के। जैसी आप करनी करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। राज्य न किसी को दुखी करते हैं न किसी के साथ पक्षपात करते हैं, वो तो सबके लिए बराबर है। लेकिन रास में इंद्रावती जी ने कृष्ण का अभिनय किया और कृष्ण का अभिनय करके अपना सर्वस्व त्याग किया, इसलिए जागनी लीला में इंद्रावती जी को ही राज्य कहलाने की शोभा मिली, अन्य किसी को शोभा नहीं मिली। खटुती में इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि सुंदर सा जी आपको मैं वशीकरण मंत्र सिखा देती हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि सिख करके भी आप उसको आचरण में नहीं ला पाओगे। मैंने राज्य को प्रेम के पिंजरे में तोता बना कर रखा है लेकिन आप नहीं ला पाओगे, चुनौती देकर कहती है। और बात भी सही है, 400 वर्ष बीतने वाले हैं श्री महाराज जी के तन को इस संसार में प्रकट हुए। 400 साल में ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं हुआ जो श्री महाराज के जीव की बराबरी कर सके। जो हफ्से में उन्होंने विरह किया, 6 महीने में राज्य को अपने धाम हृदय में बसा लिया, कौन करता है? आप देखेंगे अभी आपको आजकल में भी तक सुनने को मिलेगी श्री महाराज कितनी कठोर साधना करते हैं, कैसे अरब जाकर के कष्ट झेलते हैं, चारों तरफ से आरोप लगते हैं फिर भी धैर्य बना हुआ है। हम सुंदर साथ का तो ईमान बालू की दीवार की तरह, जरा सी बात होती है माया का एक झोंका आता है हमारा ईमान ढह जाता है। लेकिन वो मिहराज है, उस तन में अक्षरातीत को लीला करनी है। जाको ले थे मेहर में तय में पहले मेहरे बनावे वजूद। जिस तन से राज्य को लीला करनी होती है उस तन को उस योग्य बना देते हैं, उसके हृदय में वैसी निर्मलता ला देते हैं। परमहंस महाराज श्री रामचंद दास जी से जागने कार्य लेना हुआ, कहाँ कहाँ भटकाया, कैसे कैसे तपाया, कितने कितने कष्ट झेलाए उस तन से। बाबा दयाराम से लेना हुआ, जिस जिस तन से उनको सेवा लेनी होती है उस तन के अंदर वैसी योग्यता डाल देते हैं, वैसी निर्मलता डाल देते हैं। इसलिए किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि राज्य हमको ऐसा क्यों नहीं बना देते, इंद्रावती जी को क्यों बना देते हैं। मेहर सब पर महबूब की पर पावे करनी माफक। राज्य की कृपा सब पर बराबर होती है लेकिन कोई करनी के अनुकूल ही होता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कई बार, ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है शिष्य समूह में भी। द्रोणाचार्य के ऊपर भी यह बात रखती थी कि अर्जुन ही प्रिय क्यों है। चाणक्य के ऊपर भी आरोप लगा, उनके ही शिष्यों ने कहा कि आचार्य जब देखो तब चंद्रगुप्त का ही नाम लेते हैं, सबका नाम क्यों नहीं लेते हैं। सत छत्रपति शिवाजी के गुरु पर भी ये आरोप लगा कि लगता है कि वो जब देखो तब शिवाजी का ही नाम लेते हैं, हमारा कोई नाम नहीं लेते। याज्ञवल्क्य पर भी आरोप लगा कि याज्ञवल्क्य जब देखो तब जनक का नाम लेते हैं, हमारा नाम ही नहीं लेते। जनक तो राजा हैं, हम दिन रात इनके आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं, हमारा नाम नहीं लेते। लेकिन जब शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि भाई देखो मुझे घाव हो गया है, इस घाव को जो पी लेगा वो तो मर जाएगा लेकिन मैं बच जाऊंगा, कोई नहीं आया, सारे शिष्य किनारे हो गए। शिवाजी को आवाज़ दी गई, शिवाजी भागे हुए आए, कहा कि गुरुदेव कहाँ है फोड़ा। वहाँ तो उन्होंने चुपके से आम दबा रखा था लेकिन किसी को पता नहीं था। शिवाजी मना करते करते फोड़े का वहाँ कपड़ा बांध रखा था वो चूसने लगे। और वो तो क्या था, वो तो शिष्यों के सामने परीक्षा लेनी थी। सारे शिष्यों ने देखा कि हम तो दिन रात भले ही पांव दबाते हों
जब परीक्षा के समय आया तो सारे भाग गए, शिवाजी उस परीक्षा में पास हुए। उसके बाद समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा मेरा आदेश है, जाओ सिंघनी का दूध लाओ। सिंघनी का दूध दोना कितना कठिन होता है, सीधे मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। आजकल के देश के बहादुर तो गाय का भी दूध नहीं दुह पाते, वो इतने बहादुर हैं कि गाय लात मार देगी। उस छत्रपति शिवाजी सिंघनी के पास जाकर कहते हैं कि माता गुरुदेव ने दूध मंगाया है और मुझे तुम्हारा दूध दुहना है। अपने पैर उठाकर लेट जाती हैं और सिंघनी का दूध आसानी से दुह लेते हैं। आखिर जिसने भेजा है कुछ समझ करके तो भेजा है, ऐसा थोड़े समर्थ गुरु भेजेगा कि जाओ मौत के मुंह में चले जाओ। लेकिन आस्था होती है, मिहराज की पग पर परीक्षा होगी। श्री देवचंद जी के चरणों में आने के पश्चात सभी संघर्षों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। अभी तो श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला का प्रसंग चल रहा है। देवचंद जी के तन में अब राज्य लीला करने लगते हैं। गांगजी भाई अपने घर पर पधरा लेते हैं। गांगजी भाई बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, अपने विशाल गृह का एक भाग श्री देवचंद जी के लिए छोड़ देते हैं। श्री देवचंद जी का एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र हैं बिहारी जी, पुत्री हैं यमुना बाई, उनका जन्म हो चुका होता है। लेकिन श्री देवचंद जी को क्या मानकर की सेवा करते हैं, साक्षात धाम धनी की सेवा मानकर की सेवा करते हैं। पधराए अपनों घरे, क्या मानकर के, ये हमारे धाम के धनी हैं जो इस तन में बैठ कर लीला कर रहे हैं। उनकी पत्नी बहुत नानुकुर करती थी सेवा में, वो चाहती नहीं थी। कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है, पति महोदय के मन में तो भावना होती है कि हम सेवा करें, लेकिन पत्नियां कई जगह ऐसी भी मिल जाती हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती। कभी भोजन कराते समय कुछ ना कुछ बोझ महसूस करती हैं, लेकिन देवचंद जी ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं। गांगजी भाई, उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे राह में बाधक बन रही है, तो उधर की परंपरा थी जब तक पति मायके में न ससुराल में न जाल लाने के लिए पत्नी स्वतः नहीं आ सकती थी, या कोई ससुराल वाला पहुंचा नहीं सकता था। किसी बहाने से अपनी पत्नी को भेज दिया कि यह काम है, और दोबारा जीवन में लेने के लिए नहीं गए कि भले ही पत्नी छूट जाए सतगुरु महाराज की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। यह है निष्ठा। गांगजी भाई ने वो कर कर दिखाया, एक तरफ माया के रूप में पत्नी खड़ी है, दूसरी तरफ सतगुरु महाराज की सेवा खड़ी है। देवचंद जी की सेवा के लिए गांगजी भाई ने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। आप देखिए, अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, श्री देवचंद जी वाणी की चर्चा करते हैं, परम धाम का प्रसंग वर्णन करते हैं, अखंड ब्रज रास और परम धाम की चर्चा करते हैं। जब चर्चा करते हैं तो राज्य का आवेश उनके तन से निकल कर प्रकट हो जाता है और श्री कृष्ण के रूप में सबको दर्शन देता है। ब्रज की लीला भी प्रकट हो जाती है प्रत्यक्ष, रास की लीला भी योग माया के ब्रह्मांड में जो हो रही होती है सबको इन आंखों से दिखाई देने लगती है। राज्य श्री कृष्ण के रूप में प्रतिदिन दर्शन देते हैं और तीन बार प्रातः दोपहर सायं भोजन भी करते हैं, सबसे बातें भी करते हैं, किसी को सोने की कसेड़ी भी दे देते हैं। ऐसी अलौकिक लीला क्यों की, क्योंकि उस युग में आजकल की तरह इतना ज्ञान का प्रचार था नहीं। सुंदर साध को कैसे बताया जाए कि तुम ही ब्रजराज के हो, तुम ही परम धाम से आए हो। जब इस लीला को प्रत्यक्ष देख लेंगे तो सबको विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम ही ब्रज में थे, हम राज में थे, परम धाम से हम ही आए। इसलिए राज्य ने आड़िका लीला की। एक दिन सुंदर साध ने कहा कि सतगुरु महाराज, यमुना जी के जल का आप इतना अच्छा वर्णन करते हैं, क्या उस यमुना जी को देखने का अवसर नहीं मिलेगा? श्री देवचंद जी वर्णन करने लगे कि देखिए ये पुखराज पर्वत है और यहाँ से यमुना जी निकलती हैं और इस दर से मुड़कर इसके सात घाट आते हैं, आगे हौज कोसम जाकर मिलती है। जैसे जैसे दीवार पर लकीर खींचते गए यमुना जी का जल खलखलाते हुए यहाँ बहने लगा, दूध से भी उजला मिश्री से भी मीठा,
सब सुंदर साथ ने स्नान भी कर लिया, उसका जलपान भी कर लिया। लेकिन ये एक दृश्य था, इसको कहते हैं आड़िका लीला। आड़िका लीला और चमत्कारिक लीला में थोड़ा सा अंतर होता है। आड़िका लीला यानी प्रकृति के नियमों के विपरीत ऐसे दृश्य उपस्थित कर दिए जाए, जैसे यमुना जी कैसी हैं इस दुनिया में उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको अपने आत्मबल से दिखा देना, जिस तन में राजीव विराजमान हो उसके लिए ये कठिन नहीं था। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, चमत्कार से आस्था थोड़े समय के लिए टिकती है, बाद में उस आस्था को ठेस लगती है। जैसे कोई यहाँ चमत्कार दिखाने वाला आ जाए, नदी पर, यह यमुना नदी है, उस पर नंग खड़ाऊ पहन करके चल दे, पूरा सरसावा, पूरा यमुना नगर उसके चरणों में आ जाएगा, एक दिन की देर नहीं लगेगी। किस लिए? हर कोई करोड़पति बनना चाहेगा, कोई आकाश में उड़ने लगे, सारी दुनिया धन्य हो योगिराज ऐसा कह करके चरणों में आ जाना चाहेगी। लेकिन उसको आत्मज्ञान की प्यास नहीं है, उसमें भक्ति भाव नहीं होता, केवल आशीर्वाद लेना चाहती है, करोड़पति बनना चाहती है, परमात्मा से प्रेम उसके पास नहीं होता। राजी ने तो आड़िका लीला दिखाई केवल आस्था दिलाने के लिए, लेकिन इन आड़िका लीलाओं के कारण सुंदर साथ सतगुरु धनी श्री देवचंद जी पर तो आस्था रखने लगा, लेकिन पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाया। ब्रज रास और धाम की सुधति पर जागने की सुधना, जागने कब होगी? जब वाणी उतरेगी। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार के अवतरण के बिना किसी की आत्मा जागृत नहीं हो सकती थी। सुंदर साथ इन आंखों से श्री देवचंद जी के तन से प्रकट होने वाले श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हैं, ब्रज लीला का दर्शन करते हैं, रास लीला का दर्शन करते हैं। 313 सुंदर साथ जागृत भी होते हैं, तारतम भी लेते हैं। राज्य का श्रृंगार वर्णन भी श्री देवचंद जी करके सुनाते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में। जब तक सुंदर साथ को खिलवत की वाणी न पढ़ने को मिले, परिक्रमा न पढ़ने को मिले जिसमें 25 पक्षों का वर्णन किया गया है, सागर श्रृंगार का वर्णन न मिले, तब तक कैसे कोई अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है? आज तो समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है। कोई व्यक्ति जाता है, 100 को तारतम दे आता है, तारतम भी देना कैसे, कान में फूंक मार देते हैं और गले में लकड़ी की माला पहना देते हैं, कहते हैं कि हमने 100 की आत्मा जागृत कर दी। यदि गले में लकड़ी बांधने से आत्मा जागृत हो जाएगी तो सिर पर तुलसी का गट्ठर बांध देने से क्या होगा? ऐसा नहीं है, वाणी में कहीं नहीं लिखा है, वितक में कहीं नहीं लिखा है, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि तुलसी की माला मात्र पहनने से और 6 चौपाइयों का तारतम याद कर लेने से हमारी आत्मा जागृत हो गई। हमने तो वैष्णवों के सारे संस्कार ले लिए। जब तक हमारी सुरता परम धाम में प्रवेश नहीं करेगी, युगल स्वरूप को देखेगी नहीं, तब तक हमें जागृत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। श्रृंगार के 4th प्रकरण में कहा गया है, वह है आत्म का फरमोशी से जागे का प्रकरण। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तबरु जागे अंग देखो सोई। आत्मा का जगना क्या है? हक की सूरत का दिल में चुभ जाना। जब हम आंखें बंद करके बैठे, शरीर स्थिर हो जाए, हमारी आत्मा यह मानने लगे कि मैं परात्म स्वरूप हूं, मेरा रूप रंग श्यामा जी जैसा है, और उसको राज्य श्यामा जी के एक एक अंग की झलक दिखाई देने लगे। हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, मुखारविंद ऐसा है, होठ ऐसा है, हृदय कमल ऐसा है, तब उसको ये कहने का अधिकार है कि अब मेरी आत्मा जागृत हो गई। ज्ञान दृष्टि जब जागनी होती है वो अभी अधूरी जागनी होती है। ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान का प्राण है प्रेम और प्रेम का प्राण है ज्ञान। एक को हटा दीजिए तो दूसरा अधूरा हो जाएगा। वाणी का ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको कोई बताने वाला नहीं है परम धाम क्या है, हम कौन है, आए कहाँ से।
जब परमधाम की ब्रह्माणी नहीं थी न ब्रज में न रास में तो किसी को पता नहीं था। आज ब्रह्मवाणी सरलता से सबके घरों में उपलब्ध है, लेकिन हमारे सिर पर सारे ब्रह्मांड का बोझ रहता है, हमारे पास चिंतन के लिए समय नहीं। चितवने की प्रक्रिया कैसे निराकार से परे बेहद से परे जाएंगे, कैसे परम धाम में हम सुरता लगाएंगे, ये नारायण को भी नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी पता नहीं, हमें पता है। हम करोड़पति नहीं हैं, करोड़पति हैं तो अरबपति नहीं, लेकिन जिनको पौराणिक मान्यता में सारे ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है वो भी तरस रहे हैं कि मूल मिलावे का ज्ञान हमको मिल जाए, मूल मिलावे में हमें ध्यान करना है, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं। आज संसार भगवान शिव की पूजा कर रहा है और शिव की पूजा करके क्या मांगता होगा, राज्य हमको करोड़पति बना दीजिए, हमको मिनिस्टर का पद दे दीजिए। और बेचारे भगवान शंकर क्या कर रखे हैं, उनके पास तो 5 रुपया भी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कमर में बाघंबर लपेट रखा है, घर भी नहीं है, इसलिए कैलाश की गुफा में पड़े, 2 मुट्ठी चावल भी नहीं रखा है उन्होंने अपने पास, सबसे निर्द्वंद होकर धीर न ध्यान समाधि में बैठे हैं। और उनके भक्त गांजा भांग पीते हैं, नशा करते हैं, तरह तरह के ऐसी कमरों में रहते हैं। और आजकल तो ऐसी परंपरा चल गई है, हनुमान जी के और शंकर जी के तो ताड़ इतनी ऊंची मूर्ति बना देते हैं कई कई मीटर, बेचारे धूप में वर्षा में शीत में वैसे कष्ट पाती रहती है मूर्ति, ऐ तो जड़ है। पूछा जाए कि तुम भक्त हो तो तुम तो ऐसी कमरे में रह रहे हो, उनके नाम की कमाई खा रहे हो और अपने इष्ट को धूप में खड़ा कर रखा है, कहेंगे तो वो मूर्ति है, जब मूर्ति है तो मत्था क्यों टेकते हो, उनके नाम के चढ़ावे क्यों करते हो, जब वो मूर्ति को तुम जड़ मान रहे हो, जड़ है ही, तो स्वयं तो ऐसी कमरे में और अपने भगवान को इष्ट को धूप में खड़ा कर रखा है, बरसात में खड़ा कर रखा है, ये है दुनिया की आस्था। श्री देवचंद जी के मुख से अलौकिक ज्ञान सुन सुनकर सबकी आत्मा माया को छोड़ने की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। लेकिन जागने का उत्तरदायित्व कब पूरा होना है, जागने लीला वैसे 1638 से 1752 तक 120 साल जोड़े जाते हैं, लेकिन वास्तव में तब तक जागनी का प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक कि परमधाम की वाणी का अवतरण न हो जाए। श्री देवचंद जी अपने मुखारविंद से हमेशा चर्चा सुनाते रहते हैं, भाव काट कर वचन कहते हैं ताकि सबके हृदय में बात आ जाए, क्योंकि उन्होंने श्री राज जी के मुख से सुन रखा है कि जब तक सबकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती हो जाएगी तब तक कोई भी परमधाम नहीं चलेगा। यदि कोई सुंदर साथ किसी को बुला करके लाता है और श्री देवचंद जी देख लेते हैं कि ये परमधाम की आत्मा है तो उसको बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने बहुत बड़ा काम किया। श्री देवचंद जी के अंदर ये भावना आती है कि मैं नौतनपुरी से बाहर जाऊँ और सबकी आत्मा को जल्दी से जल्दी जगा लो, क्योंकि यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है, राज्य की यह सेवा है। हम जागने के कार्य में जितना ही अपना तन लगाते हैं, धन लगाते हैं, मन लगाते हैं, उतनी ही राज्य की मेहर बरसती है, यह बात सबको याद रखनी चाहिए। इसलिए श्री देवचंद जी दिन रात अथक परिश्रम करके सबकी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हैं, वहाँ संख्या बढ़ती जाती है, एक से दूसरे ने सुनी, दूसरे से तीसरे ने सुनी, बढ़ती जाती है भीड़। उसी में एक है केशव ठाकुर, जब श्री देवचंद जी को 1678 में श्री राज जी का दर्शन होता है, उसी समय उससे 3 वर्ष पहले 16 विक्रम संवत 1675 का समय है, आश्विन मास है, आशो सुशनी चतुर्दशी, ये चतुर्दशी का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है वितक में, आप देखेंगे कि चतुर्दशी बुधवारी वही सनंद सारे बिहारी जी सुखी, चतुर्दशी बुधवारी को श्री देवचंद जी का अंतर्ध्यान दिवस भी है, और चतुर्दशी के ही दिन भादोवदी 14 नाम
संवत 1774 भादोवदी 14 नाम प्रथम जाम और वार रवि प्रकटे धनी श्री धाम। भादो महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रविवार के दिन प्रथम जाम और वार रवि प्रथम पहर में यानी 6-9 बजे के बीच में प्रकटे धनी श्री धाम श्री महाराज का तन जन्म लेता है। उसमें इंद्रावती की आत्मा प्रवेश करती है और जिसमें कालांतर में विक्रम संवत 1715 में श्री राज जी ने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर के लीला की। प्रकटे धनी श्री धाम राज जी उस दिन नहीं प्रकट गए। उस दिन तो श्री महाराज का जन्म होता है जिसमें राज जी ने विराजमान होकर के भविष्य में लीला करनी। केशव राय केशव ठाकुर लोहाड़ा छत्री थे। ये घटनाक्रम ऐसा है, कन्नौज के राजा जयचंद के समय में कुछ ऐसे छत्री थे जो वेद शास्त्र का पठन पाठन किया करते थे। राजा जयचंद ने अपने राज्य से कुछ ब्राह्मणों को बहिष्कृत कर दिया था क्रोध में आकर, तो कोई भी ब्राह्मण उनका यज्ञ कार्य नहीं करवाता था। जयचंद ने अपने उन छत्रियों से कहा कि तुम हमारा यह कार्य करवा दो। उन्होंने मना कर दिया कि यह कार्य ब्राह्मणों का हम नहीं करवाएंगे। जयचंद को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको राज्य से बाहर निकाल दिया। यही परिवार जाकर गुजरात में हलार देश में उन्होंने अपना एक किला बनाया जो लोहे का बना हुआ था शत्रुओं से रक्षा के लिए। इसलिए इस वंश को लोहाना छत्री कहते हैं। श्री महाराज उसी वंश के थे यानी सूर्यवंशी। जो पुराण संहिता में लिखा है, सुंदरी च इंदिरा नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाया प्रतिबुद्धे भविष्यतः कलयुगे। सुंदरी और इंदिरा परम धाम की दो आत्माएं सूर्य और चंद्र नाम वाले दो तनों में अवतरित होंगे और इस महाराज के तन में वही मरु राजा का जीव। केशव राय उनके पिता हैं, माता जी हैं धनबाई। पांच भाई हैं। पहला भाई है हरिवंश, दूसरा है श्यामल जी, तीसरे हैं गोवर्धन, चौथे हैं महाराज और पांचवें हैं उद्धव ठाकुर। ये परिवार भी रहता है। केशव राय क्या है, वहाँ के नौतनपुरी जो राज्य के राजा के मंत्री हैं और महाराज उनके चौथे पुत्र पांचवें पुत्र हैं उद्धव। इस समय जब श्री देवचंद जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा का प्रवाह चल रहा होता है तो हरिवंश की पत्नी थी मेघबाई, मेघबाई की भतीजी है अजबाई और अजबाई का विवाह होता है गांगजी भाई के बेटे श्याम जी के साथ। इस लीला में चूंकि गांगजी भाई के घर ही श्री देवचंद जी विराजमान रहते हैं तो सारी लीलाएं प्रत्यक्ष देखती है अजबाई। अजबाई आकर अपनी बुआ मेघबाई के यहाँ कहती है कि बुआ हमारे घर साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, सबसे बातचीत भी करते हैं, सोने की कसेड़ी भी एक सुंदर साथ को दे दे। अब श्री देवचंद जी ने जैसे ही उंगली दीवार पर खींची तो वहाँ यमुना जी का जल बहने लगा। चलो तुम भी देख सकती हो। यह बात धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई और आप जानते हैं जब मेघबाई को कहा तो मेघबाई पत्नी है हरि उनके बड़े भाई सबसे जो बड़े भाई उनके, उन्होंने कहा कि मैं खुद कैसे जाऊं। उन्होंने अपने छोटे भाई अपने देवर को भेज दिया गोवर्धन को तुम जाकर के देखो। गोवर्धन भी क्यों जाए, उन्होंने अपनी पत्नी पद्मा को कह दिया पहले तू जाकर के देखा तब मैं जाऊं। क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा अधिकार किस पर दिखता है, पत्नी पर। उस सोच हर काम में पत्नी को लगा लेते हैं कि पहले तुम जाकर के पता कर रहा तो मैं जाऊंगा। पद्मा जाकर के देखती है और सारी बात आकर के बता देती है कि हाँ जो अजबाई ने कहा है वो सारी बात सच है। अब गोवर्धन जाते हैं, सारी बात वहाँ लीला देखते हैं, आकर के श्री देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं
और कहते हैं कि सतगुरु महाराज आप मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। कुछ नहीं मांगा, केवल एक चाहत कि मेरी आत्मा जागृत हो जाए। जागृति का महत्व कितना है शायद हम नहीं जानते। जैसे आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, आपके सामने राज्य आकर के प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगेंगे? कोई मांगेगा कि हमको राष्ट्रपति बना दीजिए, कोई मांगेगा प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, कोई अरबपति बनना चाहेगा। लेकिन यह बताइए, ये बन करके आप क्या करेंगे, क्या लेकर जाएंगे आप अपने साथ? एक तरफ सारे ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए और एक तरफ जागृति का सुख मिल जाए, जागने का सुख, तो उसके सामने एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों बैकुंठ के राज भी कुछ नहीं है। कोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन समान। जिसको चितवनी की लत तो नहीं कहेंगे, जिसको चितवनी का सुख मिल जाएगा, उसको यदि कहा जाए कि तुम सारे ब्रह्मांड का राज्य ले लो लेकिन चितवनी करना छोड़ दो, तो वह नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके बिना वह रह ही नहीं सकता। ब्रह्मांड के सुख के बिना रह सकता है, वह झोपड़ी में रह सकता है, बिना खाए रह सकता है, लेकिन राज्य के दीदार का सुख जिसने ले लिया है, उसको प्रतिदिन दीदार हुए बिना यदि रखा जाए हीरे मोती के महल में, तो लगेगा कि वो पागल हो जाएगा। वो हीरे मोती के महल में रह नहीं रहा है, वो तो श्मशान घाट से श्मशान से भी बदतर है। लेकिन जिनकी आत्मा जागृति में नहीं है, माया के अंधकार में है, उनको केवल तृष्णा क्या लगी हुई है, कितना धन कमा लें, कितने संगे संबंधियों को खुश कर लें। जिनको खुश करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा है, उस बेचारे को ये पता भी नहीं कि ये सारे तुम्हें एक दिन छोड़ देंगे। ये केवल चिपके हुए हैं तुम्हारे से केवल धन लेने के लिए, और श्मशान घाट में जाने तक प्रिय बने हुए हैं। जिस दिन श्मशान में शरीर जलाया जाएगा, सब लोग पीछे हट जाएंगे। साल में एक बार कभी कभार भूले भटके याद कर लेंगे। हर व्यक्ति का अपना परिवार है, अपना सुख है। प्राणी न जाने कहाँ से अपने कर्मों का फल लेने के लिए परिवार में आकर के टपक जाता है। कोई पुत्र बनता है, कोई पिता बनता है, कोई पत्नी बनता है, कोई पति बनता है, सब एक दूसरे का रिश्ता निभाते हैं। परमात्मा से क्या रिश्ता है, इसको तो कोई बिरला ही जानता है। इसलिए जब श्री देवचंद जी के पास गोवर्धन भाई जानते हैं, तो गोवर्धन भाई के अंदर परमधाम की आत्मा है, मिहराज के अंदर परमधाम की आत्मा है, और जो पांचवा छोटा भाई है उद्धव, उनके अंदर परमधाम की आत्मा है। जो पहला भाई है हरिवंश और दूसरा है श्यामल जी, दोनों के अंदर कोई परमधाम की आत्मा नहीं। तो अब गोवर्धन भाई जाते हैं चार पांच दिन और आकर के वो सारा वर्णन सुनाते हैं। उस समय मिहराज की उम्र केवल 12 वर्ष 2 महीना 20 दिन की 10 दिन की हुई रहती है। जब गोवर्धन भाई जाते हैं तो उस समय मिहराज की उम्र 12 वर्ष 2 महीना 5 दिन की रही होती है। 3-4 दिन आकर के जैसे गोवर्धन ने वर्णन किया कि सचमुच मैंने वहां देखा, जब सद्गुरु महाराज चर्चा करते हैं तो राज्य का आवेश स्वरूप प्रकट हो जाता है, कृष्ण जी के रूप में सबसे बातें करता है, सबको प्रत्यक्ष दर्शन मिलता है। इन आँखों से ब्रज की लीला देखने को मिलती है, रास की लीला देखने को मिलती है। अब उस तन में वही इंद्रावती की आत्मा है जिसने रास के अंदर राज्य को नाको चुन चुबवा दिया था। आत्मा अंदर से तड़पती है अपने प्राणेश्वर के दर्शन के लिए। मिहराज 12 वर्ष के, 12 वर्ष 2 महीने की अवस्था है। आज के छोटे बच्चों को हम 12 वर्ष में क्या करते हैं, माताएं 8 बजे तक सुलाती रहेंगी लाड में, और वो माताएं सबसे बड़े शत्रु हैं अपने बच्चे के, जो कहती है कि बेटे सोते रहो, अभी तो आज रविवार का दिन है, तुम सो लो। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं। यह हमारा उत्तरदायित्व है बच्चों को धार्मिक संस्कार देना, उनको आलसी न बनने देना। हम अपने बच्चों को आलसी बनाएंगे तो हम सबसे बड़े शत्रु। वो आचार्य आचार्य नहीं कहला सकता, वो माता पिता माता पिता नहीं है। जो अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार न दें, उन्हें पुरुषार्थी न बनाएं, उनको कोमल गद्दों में सुला सुला कर हम यदि आलसी और अकर्मणी बना देते हैं,
तो हम उनके पूरे भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। अब मिराज सुनकर भला कैसे रह सकते हैं? वे अपने भ्राता से कहते हैं कि मुझे भी चलना है सद्गुरु महाराज के दर्शन करने। गोवर्धन कहते हैं कि तू अभी छोटा है, तुम्हें जाने का अधिकार नहीं। लेकिन अंदर जब हृदय व्याकुल हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं, मैं भी चलूँगा साथ में। फिर भी हाथ छुड़ा करके जब जाने लगते हैं, मिराज उनको हाथ पकड़ते हैं कि नहीं मैं जाऊँगा, तो जबरन हाथ छुड़ा करके गोवर्धन चले जाते हैं। लेकिन मिराज भी दृढ़ संकल्प के पक्के हैं, पीछे पीछे रोते हुए चले जाते हैं। अब देखिए, एक आत्मा है जिसको मना भी किया जा रहा है तो भाग करके आती है। इतना बड़ा सरसावा नगर है, छोटा सा कस्बा ही कहिए, छोटा सा नगर, कितने सुंदर साथ है सुनने के लिए आते हैं। आसपास के इलाकों से भी कितने लोग आते हैं। यदि मैं यही अभी तक गुजरात में करूं तो मैं समझता हूं कम से कम 1000 की संख्या तो आ ही जाएगी, कम से कम। गुजरात में मैंने सवेरे कहीं और चर्चा की है, दोपहर को कहीं और की है, रात शाम को कहीं और की है, हर जगह 700-800 की संख्या इकट्ठी हो ही जाती है। लेकिन इधर समझ में नहीं आता, लोगों को धर्म से कम प्रेम है, जबकि ये धरती हिमालय की तराई की है, गंगा यमुना का किनारा है। फिर भी आज समय के प्रवाह में धर्म का प्रचार न होने से इतने माया ने असर कर डाला है कि यहाँ के लोगों में धर्म के प्रति भावना कम रह गई है। अब वो मिराज बाहर रो रहे होते हैं, किसी तरह से उनको सांत्वना देकर गोवर्धन कहते हैं कि अच्छा तुम यहीं रहो, मैं पूछ करके सद्गुरु महाराज से आता हूँ, तब तुमको अंदर ले चलूँगा। गोवर्धन जाते हैं सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि गुरुदेव सद्गुरु महाराज, मेरा छोटा भाई मना करने पर भी रोते रोते आ गया है, यदि आपकी सुकृति हो तो मैं आपको आपके चरणों में उसको लाऊंगा। सद्गुरु धनी सिंह देवचंद जी कहते हैं कि जब बच्चा छोटी अवस्था में होता है तो निर्मल होता है। ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए थे, इसलिए तुम अवश्य लाओ। जैसे ही महाराज सद्गुरु धनी सिंह देवचंद जी के सामने जाते हैं, देवचंद जी देखते ही पहचान जाते हैं, अरे यह तो इंद्रावती की आत्मा है, इसी के तन से तो सारा काम होना है आगे आने वाले समय में। जैसे ही श्री महाराज सद्गुरु धनी सिंह देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं और श्री महाराज के अंदर तत्क्षण हृदय में आई जागृत। सद्गुरु धनी सिंह देवचंद जी के सिर पर हाथ रखते ही महाराज के हृदय में जागृत बुद्धि पुष्ट हो जाती है, उनकी आत्मा जागृत की तरफ कदम बढ़ा देती है। इस बीच में घटना होती है, एक साथ जब जानते हैं धर्म का प्रचार होता है तो उसमें बाधाएं भी होती हैं। गांगजी भाई के यहाँ जब चर्चा चलने लगती है तो एक तो नहीं, काफ़ी संख्या में सैकड़ों लोग उनके यहाँ आने लगते हैं। गांगजी भाई का हृदय बहुत विशाल है, जितने सुंदर साथ आते हैं कुछ न कुछ तो जलपान उनको कराना ही पड़ता होगा। बहुत धनवान है फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं कितने भी खर्च हो, लेकिन चुगलखोरी भी हर जगह होती है। एक चुगलखोर ने चुगली कर दी कि ये जो देवचंद जी हैं उनके यहाँ स्त्री और पुरुष एक साथ बैठा करते हैं। भाई एक साथ बैठा करते हैं तो क्या करते हैं ये तो उसने बताया नहीं, गलत भावना से कह दिया कोतवाल से, कोतवाल जानते हैं वो, तो बिना सोचे समझे उन्होंने 2 पुलिस वालों को पहरेदारों को कह दिया कि जाकर के जांच करो कि क्या हो रहा है वहाँ। रात्रि का समय है, कथा चर्चा चल रही होती है, एक जो जो पहरेदार है उसको दिख रहा है कि जिस घर के पास उसको भेजा गया है वहाँ दीपक चल रहा है। जैसे जैसे वो चलता जाता है उसको लगता है कि दीपक का तो पास मिल ही नहीं रहा है, और वो 12 कोस आगे चला जाता है वहाँ जहाँ मोहबड़ जी का गांव है।
धरोल के उधर ये नौतनपुरी से आगे मोहबड़ जी के गांव में, जब वहाँ एक पानी भरने वाली महिला से पूछता है कि कौन सा गांव है, तो उसने कहा कि तुम लगता है नशे में हो क्या, ये मोहबड़ जी का गांव है। उसको गुस्सा लगता है कि मैं कहाँ आ गया। और दूसरा, एक कुएं के किनारे पूरी रात परिक्रमा देता रहा। वो सोचता है कि देवचंद जी का घर तो यहाँ होगा और मैं चलूँ स्त्री पुरुषों को एक साथ पकड़ लूँ कि ये रात के समय अकेले वहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं इतने लोग। परिणाम यह होता है कि वो जब सवेरा होता है दिखता है, दिखाई देता है उसको कि मैं तो कुएं की मुंडेर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था, यदि मेरा पैर कुएं में फिसल जाता तो मैं इस दुनिया से चला जाता। दोनों मिलकर के आते हैं और कहते हैं कि जिसने चुगली की थी यदि वह मिल जाए तो हम तलवार से उसकी गर्दन काट दें। ऐसी ऐसी अनेकों चमत्कारिक लीलाएँ नौतनपुरी में हुई, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया। कौन पहचानेगा? जो परमधाम की आत्मा होगी। श्री देवचंद जी के पास सुनने के लिए तो सभी आते हैं, चमत्कारिक लीलाएँ देखकर चले जाते हैं, लेकिन देवचंद जी तारतम किसको देते हैं? जो परमधाम की आत्मा होती है। 313 आत्माओं को वो तारतम देते हैं, लेकिन कोई भी जागृत क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि परम धाम की वाणी के आए बिना कोई भी जागृत नहीं हो सकता। हर परमहंस ने किसी न किसी रूप में वाणी का प्रकाश किया है। परमहंस महाराज से रामचंद्र दास जी के तन से भी बहुत सी अड़का लीलाएं हुई। सुंदर सा तो उन लीलाओं को याद तो करता है, लेकिन परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता। वे वाणी को खान देश से लेकर अपने सदगुरु के स्थान से लेकर सिर पर रखकर पैदल चल करके शेरपुर तक आए थे, यह दर्शाने के लिए कि वाणी का कितना सम्मान करना चाहिए। और गांव वालों से कहा कि गांव वालों, हम तुम्हारे लिए परमात्मा लेकर आए। लेकिन जैसा उनके अनुयायियों में वाणी के लिए अगाध प्रेम होना चाहिए, वाणी के चिंतन को फैलाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। एक साईं बाबा ने कैसे कैसे झूठे चमत्कार भी दिखा दिए। सीरियल ऐसा चल गया कि साईं बाबा के नाम पर पूरा हिंदुस्तान पागल हुआ पड़ा है। साईं बाबा के नाम के कितने मंदिर बन गए, चमत्कारों की कहानियाँ इतनी फैल गई। साईं बाबा ने किसी को परमधाम नहीं दिखाया, लेकिन उनके चमत्कारों को हिंदू समाज ने भुलाया। हमने न तो श्री देवचंद जी की महिमा को फैलाया, न प्राणनाथ जी की महिमा को फैलाया, न परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी को फैलाया, क्योंकि हम लक्ष्य से ही भटक गए। हमने अकर्मण्यता को की चादर ऐसी ओढ़ ली कि हमें कुछ करना नहीं है। अकर्मण्यता और राग द्वेष के बंधन में हम इतने फंस गए कि जो कार्य हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। परिणाम आज सारा देश क्या परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी को जानता है, क्या देवचंद जी को जानता है, या प्राणनाथ जी को जानता है, लेकिन साईं बाबा को सभी लोग जानते हैं। साईं बाबा ने नहीं बताया परमात्मा कौन है, परम धाम क्या है, कैसे दर्शन होता है। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी ने तो एक थानेदार को कहा कि बोल तुझे क्या दिखाऊं, फूलबाग दिखेगा कि नूरबाग दिखेगा। साईं बाबा तो ऐसा नहीं करा सके। साईं बाबा को न तो परमधाम का ज्ञान था, न अक्षरातीत का ज्ञान था। ये तो दोषी हम हैं। उनकी समाधि पर जाकर आज भी लोग संसार की बातें मांगते हैं, कोई परमधाम का ज्ञान नहीं मांगता, परमधाम की संपदा नहीं मांगता, क्योंकि परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी को किसी ने पहचाना ही नहीं। श्री देवचंद जी के तन से आड़िका लीलाएं सुंदर साथ देखते हैं, ब्रज की लीला, रास की लीला, इतना मानते हैं कि सतगुरु महाराज के स्वरूप में राज्य लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर रहा। श्री महाराज जब देवचंद जी के चरणों में आते हैं, एक चौपाई आती है, मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहिब, होना यहाँ चाहिए महाराज। हर जगह अभी तक में
संवत 1715 से पहले मिहराज शब्द है, केवल आदर सूचक भाव में यहाँ सिरजी साहब लिखा हुआ है। इसी से एक भ्रांति चल गई कि सिरजी साहब यानी मिहराज, जबकि बात यह नहीं है। वाणी में सिरजी का अर्थ हमेशा अक्षरातीत के लिए हुआ है। तीन बार तारतमवाड़ी में सिरजी शब्द आया है, एक बार प्रकाश गुजराती में, लई तारतम अज्वालुसार वली सृजी अव्या आबार, एक बार सटृति में, सृजीना में वचन विचारिया नितिलिधि वचनो निशा, यहाँ सृजी किसको कहा गया है, सतगुरु धनिष देवचंद जी को। आगे किरंतन में आता है, श्री श्री जी ने चरण पसाए जसिया हम ची गाए, थोड़े दिन मां चौदह लोको आनिध प्रकटे धाये, श्री श्री जी ने चरण पसाए, यहाँ श्री जी किसको कहा गया है, अक्षरातीत श्री राज जी को। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार में हुआ था, हम कह सकते हैं राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने 1950 के बाद, लेकिन जब वो पैदा हुए तभी वो राष्ट्रपति नहीं बन गए थे। आदर सूचक भाव में यह कहा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए थे। प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुए थे उस समय, जवाहरलाल पैदा हुए थे, प्रधानमंत्री तो बाद में बने। लेकिन आदर सूचक भाव में यह जब व्यक्त किया जाता है तो सामान्य जनसमूह उस शाब्दिक भावना को लेकर प्रयोग करने लगता है, इसी से विकृति फैल जाती है। यहाँ भी वही हुआ है, श्री लाल दास जी की कलम है, राज्य लिखवा रहे हैं, लेकिन श्री राज्य के हृदय में तो मिहराज ही के तन में राज्य बैठे हैं, इसलिए उन्होंने आदर सूचक शब्दावली का प्रयोग किया है, मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहेब, यानी श्री देवचंद जी का और श्री जी का मिलाप कब होता है, हुआ क्या, मिलाप श्री देवचंद जी का श्री मिहराज से होता है। पूरी वाणी में एक यही स्थान है जहाँ से समाज में शाब्दिक अर्थ लेने से भटकाव शुरू होता है और निज नाम श्री जी साहेब जी के विरोध का एक बहाना मिल जाता है। वास्तव में श्री जी किसी व्यक्ति को नहीं कहते हैं, श्री जी का अर्थ श्रीराज, श्री जी का अर्थ श्री प्रांडा, श्री जी का अर्थ धामधनी। तारतम वाणी में यही निर्देशित किया गया है और इसे ही सबको मानना चाहिए, अन्यथा प्रकटे धनी श्री धाम, प्रथम जाम और वार रवि प्रकटे धनी श्री धाम, तो क्या राज्य उसी दिन प्रकट हो गए क्या। उस समय तो संवत 1675 में रविवार के दिन भादवती चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मिहराज का जन्म होता है। जन्म होने के बाद इंद्रावती की आत्मा प्रवेश करती है उस दिन, और क्योंकि इंद्रावती की आत्मा गर्भ में नहीं जा सकती, जब जीव का जन्म हो जाएगा शरीर गर्भ से बाहर आएगा तभी इंद्रावती जी की आत्मा प्रविष्ट हो सकती है, और उसके पश्चात ही आवेश स्वरूप से राज्जी हफ्से में विराजमान होकर लीला करेंगे, या विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद जी के अंतर्धान होने के पश्चात उनके धाम हृदय में विराजमान होकर के लीला करेंगे। इसके पहले उनको केवल मिहराज कहा जाएगा, उनको श्रीजी साहब नहीं कहा जा सकता, या धामधनी या राज्जी नहीं कहा जा सकता। एक दिन श्री देवचंद जी ने खोजी भाई, जिसके अंदर रई भाई की आत्मा थी, तारतम दिया, सब्जी बेचने वाली थी, छोटे मोटे काम करती थी, मिहराज ने पूछा कि सतगुरु महाराज क्या मुसलमानों में भी कोई कोई आत्मा है। देवचंद जी कहते हैं कि कहीं कहीं इनमें है, मैंने कुरान को देखने का प्रयास किया लेकिन कर्मकांड के प्रभाव के कारण उस युग में ऐसा था कि कोई हिंदू कुरान का ग्रंथ पढ़ ले तो हिंदू समाज आपत्ति करता था और मुस्लिम अपने ग्रंथों को छूने भी नहीं देते थे। देवचंद जी ने कहा कि कहीं कहीं इनमें कोई आत्मा है, अन्यथा इनमें बहुत कम आत्मा है। जब रास की लीला हो रही थी, जिन जिन सखियों ने असुरों का अभिनय किया, अघासुर बघासुर कंस का जिसने अभिनय किया, उन उनकी सुरता पुराण संहिता के अनुसार इस जागनी लीला में मुस्लिम तन में आ गई। जिन जिन गोपियों ने
सखियों का अभिनय किया, गोपियों का, उनकी सुरता स्त्री तन में आ गई। इंद्रावती जी ने कृष्ण का अभिनय किया, इसलिए इंद्रावती की आत्मा पुरुष तन में आ गई और इस जागने के ब्रह्मांड में उनको अक्षरातीत की शोभा मिली। जिसके मन में जैसी भावना थी उसके अनुसार राज्य ने उनको जागने के खेल में अभिनय का पात्र दिया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तीन विध मन चाहिया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। आप राज्य के मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, कहेंगे राज्य हमको करोड़पति बना दीजिए, तो राज्य क्या करेंगे? परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी ने एक बार कहा कि कोई मेरे पास राज्य के लिए नहीं आता, सबके सब माया के लिए आते। बनारसो बहन जी बार बार जिद करती आ करती थी कि महाराज जी आप इनको परम धाम क्यों नहीं दिखा देते। महाराज जी ने बनारसो बहन से कहा कि देखो आज सबको लाइन में खड़ा कर दो और आज जो मांगेगा मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। और बनारसो बहन जी को पास बैठा लिया। कोई आता है कहता है कि महाराज जी मेरी बहू मेरे से नाराज रहती है, कोई कहता है कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, कोई कहता है कि मेरा अभी पोता नहीं हुआ, एक ने भी नहीं कहा कि महाराज जी हमको परम धाम दिखा दीजिए, राज्य के बारे में बता दीजिए, हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। जब सारी पंक्ति समाप्त हो गई तो महाराज जी ने हंसते हुए बनारसो बहन जी से कहा, देखा तूने इतने लोग थे इतने सुंदर साथ, क्या किसी को राज्य की चाहत है? राज्य भी सारी लीला देख रहे हैं कि 40 लाख की संख्या में कितने सुंदर साथ हैं जो उनसे प्रेम करते हैं कि उनको चाहते हैं। जब मेहराज श्री देवचंद जी के चरणों में आए तो संकेत रूप में सब कुछ उन्होंने बता दिया कि मेहराज आने वाले समय में तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी उतरेगी, तुम परम धाम की आत्माओं को जागृत करोगे, विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की शोभा तुम्हें मिलेगी, तुमको मूल स्वरूप अपनी सारी शोभा देंगे, लेकिन यह समय समय पर होता जाएगा, अभी नहीं। अब मेहराज और गोवर्धन में अटूट प्रेम है। दोनों भाई साथ साथ आते जाते हैं, दो नाते हैं, परम धाम का भी नाता, दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा है और दोनों संगे भाई भी हैं। साथ साथ आना, साथ साथ भोजन करना, साथ साथ चर्चा सुनने जाना, प्रेम इतना गहरा जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं रहते नहीं। एक दिन चर्चा सुनकर के आ रहे होते हैं तो बड़ा भाई तो चला गया था हरिवंश ठाकुर बाहर दूसरे प्रदेश में किसी व्यवसाय के कार्य से, जो मझला भाई था श्यामल जी, कोरा से कोरा जीव है, हृदय में कठोरता की भावना है, देखा कि ये दोनों तो बाबा जी बन गए, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। देर से दोनों भाई आए तो उन्होंने क्रोध में बहुत अधिक फटकार लगा दी कि सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, तुम दोनों बाबा जी अभी बन गए हो, केवल भोजन के समय आते हो और सवेरे भोजन करके निकल जाते हो, सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। तुम जिनकी कथा सुनने जाते हो जिनसे, उनको यानी सतगुरु धन सिद्धेवचंद जी को और गांगजी भाई को, दोनों को मैं पिताजी से कह करके इस नगर से बाहर निकलवा दूंगा, तब मैं देखूंगा तुम कैसी कथा सुनते हो। यह बात सुनते ही दोनों भाई क्रोध से तमतमा उठे और अपने संगे भाई को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बीच में उनकी माता धनबाई जी आ गई जिससे कि श्यामल जी की रक्षा हो सके। नीति का कथन है, पत्नी के सामने यदि पति की निंदा हो और शिष्य के सामने गुरु की निंदा हो तो या तो उसका विरोध करना चाहिए और नहीं तो उठ करके वहां से चल देना चाहिए। मौन रहने का अर्थ होता है कि समर्थन देना। इसलिए श्री मेहराज और गोवर्धन जी को एहसान नहीं हुआ कि इन्होंने सीधे क्यों कहा कि हम उनको शहर से बाहर निकलवा देंगे, यदि ये हमें कठोरता से दंड देते तो हमें सब स्वीकार होता। रात को तो किसी तरह से
माता धनबाई जी ने तीनों बच्चों को सुला दिया, तीनों युवा हैं। सवेरे सवेरे तीनों की पेशी हुई, क्योंकि जब पिताश्री केशव राय राज दरबार से आए, सारी बात माता जी ने बताया कि तीनों रात को लड़ पड़े थे। बात यह थी, पिता केशव राय ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मिहराज और गोवर्धन से कहा कि देखो, तुम जिनके यहाँ कथा सुनने जाते हो, श्री देवचंद जी के यहाँ, उन श्री देवचंद जी ने श्याम जी भट्ट से 14 वर्ष तक भागवत सुने थे, इसलिए उनके यहाँ तुम भागवत सुनने जाया करो, वहाँ गांगजी भाई के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। गोवर्धन और मिहराज ने कहा कि पिताश्री, यदि श्याम जी भट्ट हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हमें खुशी जाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। अब पिता केशव राय अपने दोनों बच्चों को लेकर के जाते हैं श्याम जी भट्ट के यहाँ, कथा हो रही होती है। जब कथा पूरी हो जाती है तो कांजी भट्ट से पिता केशव राय कहते हैं कि भट्ट जी, मेरे दोनों पुत्र यहाँ आए हैं और आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर देंगे। केशव राय के इस कथन पर कांजी भट्ट कहते हैं कि पूछे ये प्रश्न, दोनों पुत्र पूछते हैं कि भट्ट जी बताइए कितने गुण हैं। कहते हैं कि 3, सत्व रजतम। कितने लोक हैं? 14 लोक। पौराणिक मान्यता में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये 7 नीचे के लोक माने जाते हैं। ये 7 जो पाताल लोक हैं, वैदिक मान्यता में पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी के नीचे कोई लोक नहीं है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, नीचे समुद्र है, मैं यहाँ हिमालय पर बैठा हूँ, नीचे समुद्र बह रहा है, तो वो समुद्र के किनारे का भाग पाताल कहलाएगा। पादस्य तले यो देशा सा पाताल, पाद यानी नीचे, नीचे का लोक समुद्री भाग वो है पाताल लोक। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पृथ्वी को छेदने के बाद नीचे पाताल लोक मिलेगा। भागवत में जो इस तरह से लिखा है वो गलत व्याख्या है। और ऊपर के जो 7 लोक हैं, पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक और हैं। भूवर लोक को वैदिक मान्यता में अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। भूवर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। सत्य लोक का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म लोक, यानी संप्रज्ञात समाधि में पहुंचने वाले योगी जन सूक्ष्म लोकों में तरह तरह के आनंद प्राप्त करते हैं, इनको 14 लोक कहा जाता है। ये सभी लोग प्रकृति के अंतर्गत हैं, इनको घेर कर अष्टावरण का मंडल लाया है। उसके पश्चात मोह महतत्व है और तप निराकार का मंडल है। इस निराकार के अंदर मोह सागर है, मोह सागर, इस निराकार रूप मोह सागर में आदि नारायण विराजमान है। चारों ओर अनंत निराकार का मंडल फैला हुआ है और उसके परे है बेहद का मंडल। लेकिन तारतम ज्ञान के बिना कोई जान ही नहीं सकता कि 14 लोक अष्टावरण से परे क्या है। अब भट्ट जी कहते हैं कि 14 लोक ये हैं, प्रलय कितने हैं? कहते हैं कि 4 प्रकार के प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। पौराणिक मान्यता में मैं चारों प्रलय के बारे में पौराणिक और वैदिक मान्यता आपको बता देता हूँ। नित्य प्रलय उसको कहते हैं हर वस्तु का रूप हर पल नष्ट हो रहा होता है। जैसे एक बच्चा देखिए, छोटे पर कुछ और होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें परिवर्तन होता जाता है। आप मकान बनाते हैं, 6 महीने के बाद उसमें जीर्णता होनी शुरू होती है, साल भर के बाद और पुराना, 10 साल के बाद लगेगा नहीं कि यह चमचमाता हुआ कभी भवन था। यानी इस सृष्टि की हर वस्तु क्षरित हो रही है, इसलिए इसको नित्य प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय किसको कहते हैं? स्वर्ग तक का लय हो जाना। प्राकृत प्रलय किसको कहते हैं? महातत्व अहंकार तक का लय हो जाना।
और महाप्रलय किसको कहते हैं? मोह सागर का लय हो जाना। लेकिन वैदिक मान्यता अलग है। वैदिक मान्यता में या विज्ञान से जोड़ेंगे तो ये 14 लोगों का प्रलय का तात्पर्य है, सौर मंडल का प्रलय। 14 लोग सहित एक सौर मंडल जैसे अनेकों सौर मंडल ब्लैक होल तारे में समा जाते हैं। ब्लैक होल तारा जो है आकाशगंगा में समा जाता है, और इस आकाशगंगा से भी बड़ी जो आकाशगंगाएं हैं वो उनमें समा जाती हैं। ये सभी प्राकृत प्रलय के अंतर्गत आते हैं। यानी सौर मंडल का जो प्रलय हुआ तो वो समझते कि हमारा प्रलय हो गया। नित्य प्रलय तो सबके साथ है, वो सच है। नैमित्तिक प्रलय का तात्पर्य यह है कि 14 लोगों का प्रलय, सौर मंडल का प्रलय। प्राकृत प्रलय यानी पूरी ये जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी, उसका प्रलय। लेकिन इस गैलेक्सी जैसी बड़ी बड़ी कई गैलेक्सियां, अनंत गैलेक्सियां हैं, और इस सारे मोह सागर से असंख्य गैलेक्सियां प्रकट हो रही है। इस सृष्टि का ओर छोर नहीं है। आज देखिए, आज मनुष्य अपने मानव तन की कीमत नहीं समझता। 2 गज जमीन के लिए मनुष्य मनुष्य का खून करता है, भाई भाई का गला दबा देता है, पिता पुत्र का गला दबा देता है। किसके लिए? धन के लिए। कोई 10 अरब कमा लेता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो अकड़ कर चलता है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। उस मनुष्य को ये पता नहीं तेरा अस्तित्व क्या है। समुद्र के किनारे धूल के जो कण होते हैं, मनुष्य इस सृष्टि में समुद्र के किनारे फैले हुए धूल के एक कण के बराबर भी अस्तित्व नहीं रखता है। लेकिन इतराता किस पर है? अपने सौंदर्य पर, अपने धन पर, अपनी प्रतिष्ठा पर और अपने पद पर। और ये सारी चीज़ें नश्वर हैं। इन सबको भुलाकर यदि वह परमात्मा से प्रेम कर ले, परमात्मा के प्रेम में डुबाते स्वयं को, तो वह धन हो जाता है। वो प्रियतम अक्षरातीत की समीपता प्राप्त कर लेता है। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि पहले मैं प्रीतम को खोजा करता था, कहाँ है मेरा प्रीतम, कहाँ है मेरा प्रीतम। अब मेरा प्रीतम मुझे खोजा करता है, कहाँ है कबीर, कहाँ है कबीर। यह प्रेम के बल पर है। इस शरीर से यदि हम भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमारा स्थान राज्य के दिल में होता है। इस शरीर से हम माया के विषय में डूबते हैं, धन का अहंकार लेते हैं, पद का अहंकार लेते हैं, प्रतिष्ठा की अहंकार लेते हैं, तो एक दिन तो हमारा शरीर आग के लपटों में जल जाएगा, हमारा क्या बचने वाला है। लेकिन मेरी मेरी करत दुनी चाहते हैं, बोझ ब्रह्मांड से मोह और अहंकार से दुनिया बनाई है, बनी गई है। मूल प्रकृति मोहन थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी सब 14 गुण। सारी सृष्टि मोह और अहंकार से पैदा हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। ये दुनिया है, सब माया के अंदर बने हैं, सबके तन माया में लय हो जाएंगे। इस मायावी जगत से परे बेहद क्या है, परम धाम क्या है, इसकी चाहत रखने वाला कोई बिरला ही होता है। अब पांचों तत्वों के बारे में बता दिया, 3 गुणों के बारे में बता दिया, और 4 प्रकार के प्रलय में के बारे में बता दिया। दोनों भाई पूछते हैं कि भट्ट जी ये बताइए, महाप्रलय में चौदह लोग लय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, तो ये बताइए कि पारब्रह्म रूप जो परमात्मा है वो कहाँ रहता है। तो वो कहते हैं कि जो अक्षयवट वृक्ष है, अक्षयवट वृक्ष के पत्ते पर अंगूठे के बराबर रूप धारण करके परमात्मा रहेंगे। दोनों भाई कहते हैं कि यह बताइए, जब महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण रहेंगे ही नहीं, तो अक्षयवट वृक्ष कहाँ रहेगा, और अक्षयवट वृक्ष का वो पत्ता किस कहाँ रहेगा जिस पर परमात्मा वास करेंगे। तब भट्ट की सुधबुद्ध चली जाती है, कहती है कि इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते।
आप तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में समझिए कि इसका आशय क्या है। तारतम्य ज्ञान न होने से धर्म ग्रंथों के आशय यथार्थ रूप में समझ में नहीं आते। कठोपनिषद में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मने तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र, यह है अंगूठा। परमात्मा कैसा है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मने तिष्ठति। आत्मा के अंदर अंगुष्ठ मात्र पुरुष विद्यमान है। आत्मा जिसको शास्त्रों में जीव कहा गया है, उसका परिमाण कितना बताया गया है? बालाग सतभागस्य सतधा कल्पितस्य। एक बाल के 10,000 टुकड़े किए जाए, नोक के, बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी छोटा है जीव। तो जीव उतने सूक्ष्म जीव के अंदर, जिसको किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, अंगुष्ठ मात्र पुरुष कैसे व्यापक हो जाएगा, कैसे विराजमान होगा? उपनिषदों ने कहा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा ज्योति इव अधूम का, धूम रहित ज्योति के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष का तात्पर्य क्या है? इसको एक अलंकारिक भाषा में व्यक्त किया गया है, इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे शास्त्रों की भाषा अलंकारमय होती है, कहा है संकल्पमयो पुरुषः। पुरुष कैसा है? संकल्पमय। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उनकी प्रशंसा में कहा जाए कि ये तो ज्ञान के सागर है। सागर तो बहुत बड़ा है, व्यक्ति का शरीर तो 6 फुट का होगा, अधिक से अधिक 7 फुट का होगा, लेकिन सागर के समान तो उसकी उपमा दी गई है। कहा जाता है कि ये तो आकाश से भी ऊंचे हैं, इनकी महानता तो आकाश से भी ऊंची है। किसी गांव में खुशी मनाई, कोई खुशी का माहौल हो तो क्या कहा जाता है? सारा गांव हंस रहा है। कोई दुख का माहौल होता है तो क्या कहते हैं? सारा गांव रो रहा है, सारा नगर रो रहा है। इसका तात्पर्य जगह जगह प्रसन्नता का वातावरण है या दुख का वातावरण है, तो आलंकारिक रूप में कह दिया जाता है कि सारा गांव हंस रहा है या सारा गांव रो रहा है। उसी तरह हमारा जो स्थूल हृदय है, जिसमें रक्त आता है और जाता है, फेफड़े में रक्त स्वच्छ होता है और हृदय की धमनियों में प्रवेश करता है, धमनियों से हृदय में, जिसमें आवाज़ होती रहती है, आपका हृदय हमेशा धड़कता रहता है। यदि यह धड़कन बंद हो जाए तो आपको मालूम है क्या किया जाएगा? आपको सीधे स्मशान घाट ले जाया जाएगा। आप सो रहे होते तभी आपका हृदय धड़कता रहता है। उस स्थूल हृदय के अंदर सूक्ष्म हृदय है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म हृदय यानी कारण शरीर, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। बुद्धि इसमें नहीं होती है, मस्तिष्क अलग है, बुद्धि अलग है। जैसे बटन कहीं और लगा होता है, बल्ब कहीं और जलता है, बुद्धि मस्तिष्क का नियामक है, बुद्धि मस्तिष्क को नियंत्रित करती है। सबका मस्तिष्क एक जैसा होता है, लेकिन सबकी बुद्धि भी एक जैसी नहीं होती है। जिसकी बुद्धि पर सत्व रज तम में से जिसका आवरण जैसा होता है, मस्तिष्क उसके अनुसार क्रियाशील होता है। यानी बुद्धि नियामक है, कंट्रोलर है, और मस्तिष्क है उसका कार्यक्षेत्र। मस्तिष्क के जिस जिस कोष का जो जितना विकास कर लेता है, बुद्धि का वह उतना प्रयोग कर लेता है। अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाना और घटाना सब अपने हाथ में है। आपका मस्तिष्क ज्ञान की कितनी बातों को ग्रहण कर सकता है, ये सब आपके हाथ में है। लेकिन बुद्धि जो कारण है, कारण पदार्थ है, कारण शरीर के अंतर्गत आता है बुद्धि, महत्तत्व से जो उत्पन्न होता है पहला पदार्थ, वह है बुद्धि। मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर को हृदय भी कहते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में दिल कहते हैं अरबी भाषा में। तो स्थूल हृदय के अंदर जो हमारा रक्त संचार जिसमें होता है, हृदय धड़कता है, डॉक्टर लोग किसको देखेंगे? हृदय की धड़कन चल रही है कि नहीं।
कारण शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब जीव को शरीर छोड़ना होता है तो सारे प्राण इकट्ठे हो जाते हैं, कारण शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? 10 इंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब कारण और सूक्ष्म शरीर प्राण के साथ जुड़ जाते हैं और जीव शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। भाव क्या है? स्थूल हृदय के अंदर सूक्ष्म हृदय है जिसके अंदर कारण शरीर है और उस कारण शरीर के अंदर जीव विद्यमान है। जीव के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा विद्यमान है। हमारी आत्मा किस पर बैठी है? जीव के ऊपर। आत्मा के धाम हृदय में राज्य रहते हैं, जीव के धाम हृदय में नारायण का वास होता है। इसलिए ये जो स्थूल हृदय है इसी को अंगुष्ठ मात्र के बराबर है। आप देखेंगे हार्ट जिसको हृदय कहते हैं, जिसमें रक्त संचार जाता है, अंगूठे की तरह आकार लिए हुए यहाँ पर होता है, उसके अंदर कारण शरीर है। आप पैर को काट दीजिए तो भी आदमी मरेगा नहीं, हाथ को काट दीजिए तो भी नहीं मरेगा, सिर को काट दीजिए तो क्या होता है? जो मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया है वो भी वो रक्त संचार बाधित हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं, बुद्धि कुंठित हो जाती है, इसलिए व्यक्ति मर जाता है। हृदय को निकाल दीजिए, हृदय में धड़कन बंद हो जाए तो प्राण ऐसे ही चले जाएंगे। ये सिर रहेगा लेकिन धड़कन को बंद कर दीजिए तो आदमी मर जाता है। कहने का आशय क्या है? यहाँ कहा जा रहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुष किसमें विराजमान है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष है यह हृदय। जैसे आप शेरपुर जाए तो भाव में आप कह सकते हैं ना, ऐसा लगता है कि पूरे आश्रम में महाराज जी की छवि दिखाई दे रही है, ये अलंकारिक व्याख्या है। उसी तरह से हमारे हृदय में जो सूक्ष्म चैतन्य है यह ध्यान अवस्था में परमात्मा का दर्शन करता है, तो इसको शास्त्रों ने क्या कह दिया? अंगुष्ठ मात्र पुरुष। और वो कहाँ है? मध्य आत्मनिति स्थित परमात्मा को अलंकारिक रूप से अंगुष्ठ मात्र कह दिया, जीव को भी अंगुष्ठ मात्र कह दिया, लेकिन वो किसमें विद्यमान है? अंगुष्ठ मात्र स्थूल हृदय के अंदर। इसको पुनः दोबारा समझ लीजिए, अंगुष्ठ मात्र स्थूल हृदय है, उस स्थूल हृदय के अंदर सूक्ष्म जीव बाल की नोक के 10,000 टुकड़े से भी सूक्ष्म है जो विराजमान है, और उसके अंदर भावात्मक रूप से कहा जाता है कि परमात्मा का वास है। अब भट्ट जी के सामने समस्या क्या थी? भट्ट जी ने भागवत में यही तो पढ़ा है कि जब महाप्रलय होता है तो अक्षयवट वृक्ष बचा रहता है और उसके पत्ते पर नारायण रूप जो भगवान है बालक का रूप धारण करके अंगुष्ठ मात्र के बराबर अंगूठे के बराबर रूप धारण करके पत्ते पर रहते हैं, पत्ता ताड़ता रहता है, चारों तरफ अंधकार फैला रहता है और फिर नई सृष्टि की रचना हो जाती है। ये भागवतकार की कल्पना है। इसका गुह्य रस क्या है? वृक्ष क्या है? संसार रूपी वृक्ष कहाँ से पैदा हुआ है? मोह सागर से। मोह सागर में यह संसार रूपी वृक्ष पैदा होता है, यानी मोह सागर से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। पत्ता क्या है? जैसे वृक्ष में हजारों लाखों पत्ते होते हैं उसका एक भाग है, हम सृष्टि के एक छोटे से भाग में रह रहे हैं और उसमें ब्रह्म की सत्ता का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा पत्ते पर कभी क्यों रहेगा? जिसको अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान कहा गया है वो वृक्ष के एक पत्ते पर क्यों रहेगा? जो स्थूल वृक्ष है वो तो महाप्रलय में 5 तत्व का बना होता है, लय को प्राप्त हो जाएगा। जब 5 तत्व 3 गुण रहेंगे ही नहीं तो न वृक्ष रहेगा न पत्ता रहेगा, तो फिर परमात्मा का निवास कहाँ होगा? बिना तारतम्य जान के कोई भी बता नहीं सकता। आज पूरे देश में भागवत की कथाएं हो रही हैं, एक एक भागवत की कथा के आयोजन में लाखों रुपए पानी की तरह से बहाए जाते हैं, लेकिन बिना तारतम्य जान के कोई इन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकता
कि महाप्रलय में जब पांच तत्व तो नहीं रहेंगे, तीन गुण नहीं रहेंगे, साम्यावस्था वाली प्रकृति नष्ट हो, लय को प्राप्त हो जाएगी, तो अक्षय वट वृक्ष कहाँ रहेगा और जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष की जिसमें पत्ते के ऊपर रहने की बात कही गई वो कहाँ रहेगी। अब श्री कांजी भट्ट नतमस्तक हो जाते हैं, पिता से गदगद हो जाते हैं और दोनों भाइयों को पूरी छूट दे दी जाती है कि घर के काम काज से अब तुम्हारी पूरी तरह से छुट्टी है, तुम्हें जितनी कथा सुननी हो जो करना हो करो, अब तुम्हारे ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। दोनों भाइयों को छूट मिल जाती है। अब दोनों प्रगाढ़ प्रेम में लगे हैं, दोनों को एक ही तड़प है किस तरह से हमें राज्य मिले, दोनों नाते एक साथ जुड़े हुए हैं, परमधाम का भी नाता और इस दुनिया के संगे भाई होने का भी नाता। समय बीतता जाता है, समय का चक्र बहुत बलवान होता है। जब विक्रम संवत 1700 का समय होता है, गोवर्धन भाई का तन पूरा हो जाता है, उस समय मिहराज की उम्र होती है 25 वर्ष। जब 20 वर्ष की अवस्था होती है यानी 1695 में, तब मिहराज जी का विवाह हुआ होता है फूलबाई जी से। विवाह के ऊपर भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों भाई केवल उसी भक्ति भाव में रहते हैं, चर्चा सुनते हैं केवल अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। अब भाई का देह त्याग मिहराज के लिए बहुत कष्टकारी होता है। वाणी में चौपाई आती है, 13 बरस मायामी ने था ऊपर लौकिक बोझ। 13 वर्ष माया का तात्पर्य क्या है? जब मिहराज की उम्र 20 वर्ष की थी तब उनका विवाह होता है और संवत 1703 में सतगुरु धनी सुदेव चंद जी उनको भेजते हैं कि जाओ अरब में खेता भाई के यहाँ, क्योंकि खेता भाई ने बहुत अधिक धन कमा रखा था। यहाँ गांगजी भाई के यहाँ सुंदर साथ सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, खर्चा बढ़ रहा है, वहाँ से धन लेकर के आओ तो वो धन सेवा में लग जाएगा। 1703 से पहले के समय को माया में इसलिए कहा गया है कि श्री मिहराज का मन कई तरफ पट गया था। भाई से भी प्रेम है, चलिए वो तो परम धाम का प्रेम है, पत्नी भी साथ में है और चर्चा में भी लगे रहते हैं, चितवनी में भी लगे रहते हैं। इसमें एक विशेष घटना घटित होती है आज हमारे सुंदर साथ के बीच में, एक भ्रांति है। पहले तो सुंदर साथ कहेंगे कि चितवनी कब करनी चाहिए बुढ़ापे में। पहले एक समूह है जो कहता है कि राज्य ले आए हैं तो लेकर जाएंगे, खाना पीना सोना ये मोमिन का काम, दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम, हमें चितवनी नहीं करनी, हमें तो केवल आराम करना है। लेकिन ये नहीं सोचते कि वाणी में आराम करना किसको लिखा है। खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अर्श रोहन, पल पल मासुक देखना यही आहार आजकल, अपने राज्य का पल पल दीदार होना यही ब्रह्म सृष्टियों का खाना पीना है। आराम क्या करना है? ब्रह्म सृष्टि का आराम है धनी के प्रेम में डूबना। लेकिन इस चौपाई को तो कोई नहीं देखेगा, बेशक अर्से हो के क्यों खाए पिए करे आराम, यो चाहिए मोमिन को रूह उड़े सुनते हक नाम, बेशक अर्से हो के क्यों खाए पिए करे आराम। ये चौपाई किसी को याद नहीं होगी जो कहते हैं खाना मोमिन दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम। वाणी कहती है कि बेशक अर्से हो के क्यों खाए पिए करे आराम। जिनको वाणी का प्रकाश मिल गया वो इस झूठे संसार में रह कर के आराम करना नहीं चाहेंगे, उनकी एक ही चाहत होगी कि हमें राज्य मिल जाए। आपने देखा होगा पहली बार श्री देवचंद जी को दर्शन होता है जबकि उनकी उम्र होती है 16 वर्ष 6 महीना, दोबारा दर्शन होता है उनकी
उनकी उम्र होते हैं 24 वर्ष। 24 वर्ष की उम्र में श्री देवचंद जी ने चितवनी के द्वारा अखंड ब्रज में लीला करने वाले स्वरूप का दर्शन कर लिया था। उस स्वरूप में श्री राज जी ने ही आकर दर्शन दिया। तीसरी बार जो दर्शन होता है उनको 40 वर्ष की अवस्था में, और तब उनके तन से लीला हो जाती है। इधर मिहराज को भी 25 वर्ष की उम्र में परमधाम का अनुभव हो जाता है। कैसे? मिहराज के अंदर वही तड़प है। मिहराज पाना चाहते हैं अपने प्राणेश्वर को। भाई ने तन छोड़ दिया, अब क्या करें, कोई साथ में नहीं। उनको लगता है कि जब सतगुरु महाराज के अंदर परमधाम का स्वरूप विराजमान है, सतगुरु देवचंद जी को राज्य के स्वरूप में मानकर उनको रिझाते हैं, उनसे हंसते हैं, बोलते हैं, तो वो सोचते हैं मिहराज कि जब सतगुरु महाराज को परमधाम दिख सकता है तो मुझे को नहीं दिख सकता। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमारे अंदर अवगुण है। अवगुण कैसे निकाले जाएंगे? साधना से। सैद्धांतिक पक्ष तो ठीक है, अब इसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने भागवत में सुन रखा है कि सोने के अंदर यानी स्वर्ण के अंदर माया कलयुग का वास होता है। सोचा कि जब तक इसके प्रति आसक्ति रहेगी तब तक हमें परमधाम नहीं दिखेगा। अपने स्वर्ण के सारे आभूषण निकाल कर, अपनी पत्नी के जितने स्वर्ण आभूषण थे सब लाकर सतगुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कर दिया कि सतगुरु महाराज आप इसको सेवा में कहीं लगा लीजिए, हमें नहीं चाहिए। कुछ बताते नहीं हैं और क्या करते हैं, अपना आहार घटाते जाते हैं। उतरते आहार घटाइया, धीरे धीरे आहार की मात्रा कम करते जाते हैं। शरीर जर्जर हो जाता है, चलने फिरने की शक्ति नहीं रह जाती। नीतिकारों ने कहा है अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है। बहुत अधिक भोजन करेंगे तो आपको निद्रा आती रहेगी। राजकुमार सिद्धार्थ ने भी यही मार्ग अपनाया। ये तो दो पैसे के बराबर मिहराज आहार करते रहे। राजकुमार सिद्धार्थ ने अन्न का एक दाना प्रतिदिन खाना शुरू कर दिया। अन्न का एक दाना कहां तक साधना पूरी करा सकते हैं? परिणाम क्या हुआ उनका? राजकुमार सिद्धार्थ का तो पेट था ही नहीं, सब अंदर धस गया, चलने की शक्ति नहीं थी। एक बार निरंजना नदी में स्नान कर रहे थे, सोचा था कि जाकर के भिक्षा मांग करके लाऊंगा, रास्ते में गिर पड़े, बेहोश हो गए। उस समय सुजाता नाम की लड़की जो वृक्ष देवता को खीर चराने आई होती है उनके मुख में खीर डालती है तो उनके प्राण बचते हैं। खीर खाने से उनके शरीर में चेतना आई और उनको लगा कि नहीं, यदि आज मुझे ये भोजन नहीं मिलता तो आज मेरे प्राण निकल जाने थे। जो परमात्मा की खोज में लगा रहता है परमात्मा पल पल उसकी रक्षा करता है। हम सोचते हैं कि परमात्मा कहीं दूर बैठा है, वो सबसे निकट है, हमारे हर पल के कार्य पर उसकी नजर है। हम जो सोचते हैं वो भी वो जानता है। परमात्मा बहरा गूंगा नहीं है जिस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकर की जरूरत हो। तभी तो कबीर जी ने कहा है कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद लिया बनाए ता पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। खुदा तो जर्रे जर्रे की बात जानता है, चाहे मंदिरों में शोर शराबा हो या मस्जिदों में या गिरजाघरों में या गुरुद्वारों में, परमात्मा को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सबका अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानता है। अब श्री मिहराज अब भी गौतम बुद्ध की तरह वैसे ही उन्होंने आहार घटाना शुरू कर दिया था। मैं वही प्रसंग दोहरा रहा हूं। बुद्ध को विवेक कैसे हुआ? यदि सुजाता का भोजन दिया नहीं ग्रहण करते तो उस दिन प्राण छूट जाने थे, लेकिन परमात्मा तो सबको देख रहा है कि यह राजकुमार सिद्धार्थ
सत्य की खोज में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए 7 वर्ष गुजार चुका है। कहीं ना कहीं से माध्यम बनता है, सत्य की राह अपने आप आने लगती है। एक दिन कुछ महिलाएं गाते हुए जा रही थी, जिसका आशय था कि वीणा के तारों को जोर से न खींचो, नहीं तो टूट जाएंगे, वीणा के तारों को ढीला न करो, नहीं तो ये नहीं बचेंगे। उनको समझ में आ गया कि अति भोजन करना भी हानिकारक है और पूर्णतया भोजन छोड़ देना भी हानिकारक है, क्योंकि जब आप शरीर को भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा, शरीर में जठराग्नि प्रबल हो जाएगी और जठराग्नि आपके शरीर के मांस को खाने लगेगी, मांस को पचाने लगेगी, मस्तिष्क में इतनी गर्मी हो जाएगी, मन इतना चंचल हो जाएगा कि आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। जो लोग ये हट करके बैठ जाते हैं कि हमें बिल्कुल भोजन नहीं करना है, वो अपनी साधना को खंडित करते हैं। लक्ष्य की सफलता के लिए क्या चाहिए, हृदय की निर्मलता। अधिक भोजन, अधिक निद्रा, अधिक श्रम, तीनों हानिकारक हैं। बिल्कुल भोजन ही नहीं करना और बिल्कुल जगे रहना और कुछ न करना, ये भी हानिकारक है। मध्यम मार्ग होना चाहिए, जैसे बहुत तेज धूप हो जाए तो भी कष्ट, बहुत ठंडक हो जाए तो भी कष्ट, हमें मध्यम परिमाण में चलना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य चेष्टा युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुखा। हमें अपने को सात्विक बनाना होगा, अधिक से अधिक सात्विकता। ऐसी कोई चांटा भी मार दे, हमारे चेहरे पर थूक भी दे, तो हमें घृणा ना आए। हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा, निर्विकार बनाना पड़ेगा। आप जब बैठिए तो आपका हाथ पैर न हिले, आसन स्थिर हो जाए, उस समय 1 घंटा भी ध्यान करेंगे तो झपकी लेने वाले के 8 घंटे के ध्यान के बराबर हो जाएगा। सत्व रजतम का संसार है, रजोगुण और तमोगुण को छोड़ा आपने, पूर्ण सात्विक हो गए, फिर सात्विक अवस्था से इस पिंजरे से बाहर आ जाइए, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन इसको न समझने के कारण हर व्यक्ति क्या सोचता है कि अपने अवगुणों को छोड़ने के लिए मुझे आहार ही छोड़ देना है। बिल्कुल आहार आप छोड़ सकते हैं, योग दर्शन में एक सिद्धि है जिसको ऑटोबायोग्राफी आप योगी की आत्मकथा में योगानंद जी ने लिखा है। उस महिला ने 32 वर्षों तक कुछ नहीं भोजन किया था, न पानी पिया था। कंठकूपे छुत पिपासा निवृत्ति, यदि कंठकूप में आप समाधिस्थ होने की विद्या सीख गए तो आप कई वर्षों तक बिना भूख प्यास के रह जाएंगे, लेकिन जैसे आप भोजन करते हैं प्रतिदिन आपको कंठकूप में समाधिस्थ होना पड़ेगा। लेकिन इस सिद्धि से क्या परिणाम होगा, प्रकृति की जो मर्यादा बनाई गई है उसमें सात्विक आहार अल्प मात्रा में लेते हुए, जिससे आपके शरीर में आलस्य पैदा न हो, तंद्रा न हो, आप शांति से बैठ सकें, अपने आराध्य का ध्यान कर सकें, ये होता है। लेकिन चाहे राजकुमार सिद्धार्थ हो, चाहे श्री मेहराज हो, चाहे परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी हो, या बड़े से बड़े परमहंस से भी ये भूल हो जाती है, क्योंकि हृदय व्याकुल रहता है कि हमें परमात्मा को पाना है। हर कोई चाहता है कि हम बिल्कुल ही भोजन छोड़ दें तो जल्दी से मिल जाएंगे। हाँ, समाधि अवस्था में जब श्वास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, आसन जम जाता है, तो बिना उठे ही, जब उठना ही नहीं है, बैठे हैं बैठे रह गए, अमूमन भोजन की तरफ ध्यान नहीं जा सकता, क्योंकि भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, आप समाधि अवस्था में नहीं हैं, तो आपको तो शरीर को युक्त आहार देना ही पड़ेगा, अन्यथा शरीर केवल जर्जर होता है, मन की चंचलता और बढ़ जाया करती है। जिनको योग साधना का अनुभव नहीं होता है, वे उतावलेपन में उनसे इस तरह की भूलें हो जाया करती हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बड़े बड़े साधकों के सामने, लेकिन जहाँ तक मेरे अपने जीवन का अनुभव है, या जिन जिन योगियों से परमहंसों के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबके जीवन की यही कहानी है। जिन्होंने गीता के इस कथन को अंगीकार कर लिया कि युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य चेष्टा युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुखा,
आप आहार को थोड़ी मात्रा में लीजिए, धीरे धीरे खाइए। जल्दी जल्दी खाएंगे तो आपके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप योगी का आहार आधा पेट होता है, परम योगी का, योगी आधा पौन पेट करता है, भोगी भर पेट भोजन करता है। जो भर पेट भोजन करे ठूस ठूस कर और उस सोचे कि मेरी समाधि लग जाएगी, कभी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें आलस्य पैदा होगा, प्रमाद पैदा होगा, तमोगुण पैदा होगा, निद्रा पैदा होगी। योगी जल को, वायु को और भोज्य पदार्थ को मिलाकर जो परम योगी होता है प्रथम श्रेणी का, वह आधे पेट ही करता है, शेष व्यक्ति पौन पेट करता है। अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आहार का परित्याग नहीं करना चाहिए। अब मिहराज ने आहार घटा दिया है, पैसे भर अन्न का आहार कर रहे हैं, एक पैसे का जितना वजन होता है उतना आहार, यानी इतना सा। आप सोचिए, कुछ अन्न के दाने से शरीर कहाँ से चलता है। बाल भाई कहती हैं सतगुरु महाराज के पास जाकर कि सतगुरु महाराज, एक भाई तो चल गया, दूसरा भाई जाने वाला है, क्या आप इनको बचा नहीं सकते। देवचंद जी कहते हैं कि महाराज तो मेरे से कुछ कहते नहीं, जब आते हैं तो कहते हैं कि सतगुरु महाराज मेरे अवगुण बताओ। मैं उसको क्या अवगुण बताऊं, उसके अंदर मैं बता चुका हूं कि परमधाम की इंद्रावती आत्मा है, तुम्हारे तन से राज्य लीला करने वाले हैं, तुम्हें समय पर सब कुछ प्राप्त होगा। अंत में बाल भाई के कहने पर श्री महाराज आते हैं, लेकिन इस कठोर साधना के बल पर उन्होंने क्या किया, तब धाम मोह आगे फिर वल्या गिरत, अब्बा देखिया किया आकार कोरत। धाम मोह आगे, उन्होंने रंगमहल को देख लिया, रंगमहल में विद्यमान अपनी परात्म को देख लिया और 25 पक्षों की एक झलक देख ली, लेकिन पूर्ण आत्म जागृति नहीं हुई थी, अंदर की प्यास बनी रही और इतनी कठोर साधना कर दी कि यदि कोई उनका मित्र सामने से आता था तो रास्ता बदल लेते थे, कि यह मिलेगा दुनिया की बातें करेगा, न किसी से बातें करेगा करते थे न कुछ, केवल एक ही तरफ थी कि सतगुरु महाराज को परम धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। बाल भाई बुला करके लाती है महाराज को, बोलती है कि बताओ महाराज तुम्हारे मन में क्या है, सतगुरु महाराज से बताओ। सतगुरु महाराज से कहते हैं महाराज कि सतगुरु महाराज, जब आप ब्रजराज की चर्चा सुनाते हैं तो मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता, आप मेरे अवगुण क्यों नहीं बता देते। देवचंद जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तुम परमधाम की आत्मा हो, तुम्हारे तन से तो लीला होनी है। महाराज कहते हैं कि आपको परमधाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। देवचंद जी कहते हैं कि महाराज, जब समय आएगा तुम्हें परमधाम दिखना प्रारंभ हो जाएगा, ये तो बात हुक्म की सो होवे एक ही ठोर, अभी राजी मेरे तन से लीला कर रहे हैं, तो जब तक मेरे तन से लीला कर रहे हैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से वैसे दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, चितवनी में झलक मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से मैं वर्णन कर रहा हूँ परमधाम का, तुम्हारे तन से तब तक वर्णन नहीं हो सकता जब तक कि राज्य तुम्हारे तन में विराजमान न हो जाए। यदि तुम यह चाहते हो तो मुझे उठाए तुम बैठो, इसका अर्थ क्या करते हैं हमारे विद्वत वर्ग, कि मुझे इस गादी से उठाकर तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें परमधाम दर्शन देना शुरू हो जाएगा। गादी में कोई शक्ति नहीं होती, यदि उस गादी में इतनी शक्ति थी तो बिहारी जी तो उसी गादी पर बैठे थे, उनको तो परमधाम का कुछ भी पता नहीं था, न उन्होंने परमधाम देखा न किसी को दिखाया। गादी को कौन बनाता है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ये तो कोई भी दर्जी सील देगा, एक तखत को कोई भी बड़ी बना देगा, गादी में कोई शक्ति नहीं है। राज्य गादी में नहीं बैठे हैं, राज्य आत्मा के धाम हृदय में बैठे हैं। देवचंद जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान है, जब उस तन को छोड़कर राज्य महाराज के अंदर बैठेंगे तब तो राज्य की कृपा से महाराज को दर्शन होगा। उस गादी पर बैठने मात्र से दर्शन हो जाया करे तो किसी को चितवनी कराने की क्या जरूरत थी,
देवचंद जी किनारे खड़े हो जाते और सबको कहते जाते, थोड़ी थोड़ी देर इस पर बैठते जाओ, सबको परम धाम दिखता जाएगा। आज हमारे समाज में यही अंधविश्वास घर कर गया है कि जो गादी पर बैठ जाता है वो राज्य का स्वरूप है। गादी की आरती होती है, पूजा होता है, सारी महिमा गादी की जाती है, वाणी की महिमा नहीं कही जाती। वाणी क्या कहती है? ऊपर तले अर्श न किया, अर्श कहया मोमिन कलो, न परम धाम ऊपर है न नीचे है, ब्रह्मात्मा का दिल ही धाम है। इसलिए हमें परम धाम को चितवनी से देखना होगा, हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में एकवल स्वरूप को खोजना होगा। रूई की गद्दी में कहीं भी न अक्षरातीत मिलते हैं और न कभी मिलेंगे। जो समाज गादी पूजा को बढ़ावा दे रहा, उस समाज का भविष्य क्या होगा? हमने परम धाम से अपने को अलग कर लिया, वाणी से अपने को अलग कर लिया, मूल स्वरूप से अलग कर लिया और रूई की गद्दी के पुजारी बन गए, तो परिणाम क्या होगा? हमारी आत्मा को परम धाम का प्रकाश कहाँ से मिल सकता है? जब मिहराज को लगा कि क्या परम धाम देखने की उतावली में मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सतगुरु महाराज करके कह रहे हैं कि यदि तुम अभी देखना चाहते हो तो मुझे इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मुझे उठाए तुम बैठो, यानी मिहराज तुम्हें इतनी जलती है तो इसके लिए तो मुझे अपना तन त्यागना पड़ेगा। जब राज्य तुम्हारे अंदर लीला करेंगे तभी तुमको मेरी तरह सच्चा दर्शन होंगे। अब मिहराज का मन दुखी हो जाता है कि अब मैं ऐसी जिद नहीं करूँगा। तभी एक किरंतन में इस संबंध में प्रकरण उतरता है, पतित शिरोमन योग कहे जो मैं किए हैं वज्र ले। पतित किसको कहते हैं? जो संसार से उल्टी राह अपनाए। पतितन के सिर महामत मुकुटमन जिन ए जुद जम में लखाया। पतित कौन है? जो संसार से उल्टी राह चलकर परम धाम को देखने का प्रयास करे उसको कहते हैं पतित। जो मैं किए हैं वज्रलेप, वज्रलेप यानी अमिट गुना। क्या किया? कि सतगुरु धनिष्ठ देव चंद जी के तन रहते रहते परम धाम देखने की जिद पकड़ ली। परम धाम देखना हर ब्रह्मात्मा का पुरुषार्थ है और सबको देखने की इच्छा रखनी चाहिए, सबको उसको पाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि आपको दिखता है तो मुझे क्यों नहीं दिखेगा। ये गुनाह होता है। यदि मिहराज ये शांति भाव से करते कि सतगुरु महाराज के अंदर राज्य बैठे हैं तो हमें भी सम्यक तरीके से सम्यक मार्ग अपनाकर, यानी हठ न अपनाकर प्रेम से चितवनी करते जाते तो अवश्य लक्ष्य प्राप्त हो जाता। जैसे जब श्री जी के तन से लीला हो रही है तो आप देखेंगे सुर असुर सबों को एपति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई जिन्हों जैसा चिन्हिया। प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं बंगला जी दरबार में और सब सुंदर साथ को परम धाम का सच्चा दर्शन हो रहा है, युगल स्वरूप को दर्शन का दर्शन हो रहा है। जाको दिन चिन्ह भात सो तासो मिलित दिन बित, मन चाया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। हर कोई परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहा है। उसी तरह से देवचंद जी के तन रहते भी दर्शन हो सकता था, लेकिन मिहराज जी ने जो जिद पकड़ ली कि नहीं उनकी तरह ही मुझे मेरे तन से भी लीला हो, यह अमिट गुनाह था। और यही प्रायश्चित के स्वर किरंतन के इस प्रकरण में उतरते हैं। बालबाई ने कहा कि सतगुरु महाराज भाई के न रहने से मिहराज अकेले रहते हैं, इसलिए इस तरह की बातों में ये उलझे रहते हैं, आप उनको किसी सेवा में लगा दीजिए। संवत 1703 का समय है, मिहराज को कई जगह भेजा सतगुरु महाराज ने कि जाओ वहाँ से पुराण संहिता महेश्वर तंत्र इत्यादि ग्रंथ अहमदाबाद से लाओ, जाते हैं लाते हैं। अब संवत 1703 का समय है, सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी श्री मिहराज को खेता भाई के यहाँ अरब में भेजते हैं, इसी बहाने से कि नहीं तो यहाँ रहेंगे अपने शरीर को गला डालेंगे, इनको सेवा में लगाया जाए ताकि इनका मन इसी में लगा रहे। ज्ञानार्जन सेवा और ध्यान तीनों में समरूपता होनी चाहिए। हम ज्ञान की खोज नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। राज्य की चितवनी नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा तो ज्ञान भी नहीं आएगा।
और सेवा नहीं करेंगे तो भी हमारा अहंकार नहीं जाएगा। सब लोग केवल ध्यान ही करें, कोई सेवा नहीं करें, तो ध्यान करने वाले का भोजन कौन बनाएगा? इसलिए सब में एक सामंजस्य बनाना चाहिए, कुछ समय सेवा के लिए, कुछ समय ध्यान के लिए, कुछ समय अध्ययन के लिए। सृष्टि में हर चीज़ में समरूपता दिखाई देती है, यदि हम प्रकृति के नियमों को भंग करेंगे तो समाज भी भटकाव का शिकार हो जाता है। हमें आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाना होगा, आहार का संतुलन न कम हो न अधिक हो, निद्रा का संतुलन और हमारी दिनचर्या का भी संतुलन कि हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में ध्यान का उचित महत्व, उचित समय हो, अध्ययन का समय हो और साथ ही साथ सेवा का भी समय हो। हाँ, कम या अधिक हो सकता है, जैसे हमारे ध्यान में प्रगति हो रही है हम ध्यान के लिए अधिक समय दें, अध्ययन में ज़्यादा प्रगति करनी है अध्ययन के लिए समय दें, लेकिन आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट सबको प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए, प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। इसी से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। कल आप सुनेंगे श्री महाराज 28 वर्ष की अवस्था में जाते हैं अरब, कैसे कैसे संघर्ष करते हैं और उन संघर्षों की कहानी आप सुनेंगे। आप आज आपने सुना मात्र 25 वर्ष की आयु में महाराज जब युवावस्था की बढ़ती हुई उम्र में है अपनी कठोर साधना से अपनी परात्म को देख लेते हैं, परम धाम की बाहरी परिक्रमा भी देख लेते हैं, मूल मिलाव में अपना आपा देखिया, अपना शरीर हड्डियों का ढांचा कर लेते हैं लेकिन अपनी परात्म को देखते ही। आज समाज को शिक्षा दी जाती है भटकाव की शिक्षा, इसको शिक्षा नहीं कहेंगे, भटकाना कहेंगे। अरे सेवा पूजा ही सब कुछ है, क्यों चितवनी के पीछे लगे हो? कहाँ लिखा है चितवनी? क्या महाराज ने चितवनी नहीं की? सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी ने चितवनी की? नहीं की। सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी ने, महाराज ने 24 और 25 वर्ष की अवस्था में चितवनी की बहुत ऊंचाइयां तय कर ली थी। समाज को भी चाहिए कि वो अपनी रूढ़िवादिता को छोड़े। कर्मकांड तो गिरे कटे पुलस रात कई खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार, ये तो अंधेरक अंधेर का मार्ग है। वाणी कहती है कि कर्मकांड क्या है, ये जो इंद्रियों से होने वाला कर्मकांड है वो हमें नासूत तक ले जाता है। ये जो फर्ज बंदगी जाहिरी बीच नासूत लिखी हक से दूर, फर्ज बंदगी केवल औपचारिकता पूरी करते जा रहे कर्मकांडों में उलझे हुए हैं, ये हमें बैकुंठ तक भी नहीं ले जा सकते। और बंदगी हक की करे हक के नजीक, हकीकी बंदगी हमें राज्य के चरणों में ले जाएगी। यदि हम चितवनी करेंगे तो हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल का दर्शन होगा, मुखारविंद का दर्शन होगा, हमारी आत्मा जागृत होगी। चितवनी हमारे जीवन का आधार है, वाणी का चिंतन हमारे जीवन का आधार है। चितवनी और वाणी के चिंतन का कोई विकल्प कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए यदि समाज को जागरूक करना है, हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, तो चितवनी, सेवा और ज्ञानार्जन, वाणी के चिंतन को हमें प्राथमिकता देनी होगी। आप चुपाई दूर श्री महामति कहे ए मोमिनो सुनियो यह बिताक आगे फिर कहत हूँ जो आज्ञा है हक जो आज्ञा है हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।